हाय दोस्तों, मैं हूं प्रकांत और स्वागत है आपका ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने इन्फ्लेशन पर डिस्कशन किया था। इस सेशन में हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम पर डिस्कशन करेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा सा वाइड टॉपिक है और प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं यहाँ से, तो हम इसे पार्ट में डिस्कशन करते हैं। मुझे लगता है हम इसे दो पार्ट में कम्प्लीट कर लेंगे, तो आज हम पार्ट वन पर डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, उसके पहले हम एक बात और करते चलते हैं। कुछ व्यूवर्स की क्वेरी थी कि हमें अपने टॉपिक्स के साथ क्वेश्चंस को भी लेके चलना चाहिए, क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते रहना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, ज़्यादा हम उसे शॉर्ट वीडियो रखना चाहते हैं, उनका ड्यूरेशन शॉर्ट रखना चाहते हैं ताकि आप इनका दोबारा रिविजन कर सकें, ये बहुत बल्की ना हो। और जहाँ तक बात क्वेश्चंस की है, तो हम क्वेश्चंस के लिए अलग डेडिकेटेड सेशन रखेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के एवरी एस्पेक्ट पर डिस्कशन करेंगे, पूछे गए प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, पूछे जा सकने वाले प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। सो डोंट वरी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम पार्ट वन। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है मार्केट, हालांकि औपचारिकता है पूरी करते चलते हैं। आप सभी को पता है मार्केट क्या होती है। मार्केट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर किसी संसाधन के क्रेता और विक्रेता यानी बायर एंड सेलर्स अपनी रिसोर्सेज यानी अपने संसाधनों का विनिमय करने यानी एक्सचेंजेस करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, एक ऐसा परिवेश जहाँ पर किसी वस्तु के किसी संसाधन के क्रेता और विक्रेता अपनी वस्तुओं के माध्यम से विनिमय करने के लिए स्वतंत्र होते हैं या विनिमय करते हैं, उसे हम मार्केट कहते हैं। चलिए, मार्केट की क्लासिफिकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, जैसे ऑनलाइन मार्केट, फिजिकल मार्केट, वर्चुअल मार्केट, तो वो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो हम आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सेज ऑफ नेचर यानी कि नेचर के रिसोर्सेज के बेस पे मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट यानी वस्तु बाज़ार, ऐसा बाज़ार जहाँ पर वस्तुओं के माध्यम से विनिमय किया जाता है, जहाँ पर वस्तुओं की खरीद फरोख्त की जाती है, उसे हम वस्तु बाज़ार कहते हैं। जैसे हार्ड कमोडिटीज़, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया। सॉफ्ट कमोडिटीज़ जैसे पशुधन हो गया, फूड क्रॉप्स हो गए, खाद्य पदार्थ हो गए, इस तरह की चीज़ों को सॉफ्ट कमोडिटीज़ बोलते हैं। यानी फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऐसा बाज़ार जहाँ पर विनिमय वस्तुओं के माध्यम से किया जाता है, एक्सचेंजेज वस्तुओं के माध्यम से किए जाते हैं, उसे हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सर्विस मार्केट यानी कारक सेवा बाज़ार। नाम से स्पष्ट है, ऐसा बाज़ार जहाँ पर सेवाओं के माध्यम से विनिमय किया जाता है, सेवाओं की खरीद फरोख्त की जाती है, उसे हम सेवा बाज़ार कहते हैं। जैसे बैंकिंग सेवाएं हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गई, रेस्टोरेंट सर्विसेज हो गई, बार सर्विसेज हो गई, तो इनके माध्यम से जहाँ विनिमय किया जाता है उसे हम सर्विस मार्केट कहते हैं। आपको पता ही होगा कि सर्विस मार्केट तीनों क्षेत्रों में यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में, तृतीयक क्षेत्र यानी सर्विस मार्केट को जिस इकोनॉमी में जितनी हाई होती है उसे वो इकोनॉमी उतनी ही डेवलप मानी जाती है। इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज़ जनरली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। भारतीय वित्तीय प्रणाली को साधारण रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम है मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है दोस्तों? मनी मार्केट एक ऐसा मैकेनिज़्म है जहाँ पे शॉर्ट टर्म यानी अल्पावधि के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, यानी पे जहाँ पे अल्पावधि में ऋण के साथ डील की जाती है। अल्पावधि से मतलब है 365 दिन या 365 दिन से कम समय, यानी एक वर्ष या एक वर्ष से कम समय के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, उसे हम मनी मार्केट कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का एक सेगमेंट है मनी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया देते चलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके माध्यम से किसी अर्थव्यवस्था में सरप्लस वाले सेक्टर से यानी कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे पूंजी का सरप्लस यानी कैपिटल का सरप्लस है, वहाँ से सरप्लस को निकाल कर जहाँ पे डेफिसिट वाला सेक्टर है उस सेक्टर में पहुँचा देना, यानी सरप्लस सेक्टर से डेफिसिट वाले सेक्टर में पूंजी का प्रवाह को प्रवाह के लिए एक क्रिया तैयार करना ही फाइनेंशियल मार्केट का काम है। फाइनेंशियल मार्केट के बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, जैसे मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, डिवेंचर मार्केट हो गया, सिक्योरिटी मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट हो गया, तो इस तरह के मार्केट, इनको हम आगे डिस्कशन करेंगे, इनके बारे में अलग से बात करेंगे। तो मनी मार्केट भी फाइनेंशियल मार्केट का एक सेगमेंट है जहाँ पर लिक्विडिटी हाई होती है यानी तरलता हाई होती है और मैच्योरिटी पीरियड कम होता है, यानी शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड होता है और तरलता हाई होती है।
तरलता क्या होती है और मेच्योरिटी पीरियड, इसके बारे में हम शेयर और सेमी मार्केट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आगे है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जो डेप्ट होता है यानी कि जो लोन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड किया जाता है। लॉन्ग टर्म से मतलब है एक वर्ष से अधिक समय के लिए या 365 दिन से अधिक समय के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने से पूंजी का सृजन होता है यानी कि कैपिटल क्रिएशन होता है। हमारी जो सरप्लस मनी होती है उसे हम इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके लिए कई चैनल होते हैं इन्वेस्ट करने के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शेयर मार्केट होता है, म्यूचुअल फंड होता है, उससे हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में जब वो कंपनी लाभ कमाती है तो हमें अपना अंश उपलब्ध कराती है या हमें अपना लाभांश देती है कुछ मात्रा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी जब भी हमने बताया मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है, वहीं कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए उपलब्ध कराया जाता है लोन। जो मनी मार्केट होता है उसमें कोई इंडिविजुअल प्लेयर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट होता है, और वहीं पे उसके अपेक्षा कैपिटल मार्केट में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। क्वेश्चन पूछते हैं इस पे कि लेकिन उसके लिए चैनल होना चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या कोई ब्रोकर हो गया जिसे हम दलाल बोलते हैं, इस माध्यम से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो मनी मार्केट होता है वो रिलेटिवली सिक्योर होता है यानी सापेक्षिक रूप से सुरक्षित होता है। क्यों सुरक्षित होता है? क्योंकि यहाँ पे इस बात की गारंटी होती है कि अगर आपने कोई धन कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसका लाभांश आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपका धन डूबेगा नहीं। वहीं कैपिटल मार्केट में इस बात की गारंटी नहीं होती है यानी कि सिक्योरिटी कम होती है कि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये है कि नो पेन नो गेन, यानी कि यहाँ पे सिक्योरिटी कम है लेकिन हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी है आपके पास, यानी कि रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है। जो मनी मार्केट में डील्स होती हैं वो यानी सौदे जो होते हैं वो किसके माध्यम से हो जाते हैं? टेलीफोनिक हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो जाते हैं। जबकि जो कैपिटल मार्केट होती है उसमें जो ट्रेडिंग होती है उसमें जो सौदे होते हैं वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होते हैं यानी कि सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक है, हमारा सेंट्रल बैंक है, हमारे पूरी वित्तीय प्रणाली का रेगुलेटर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं इस सेक्टर से और बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे अभी जब हम आरबीआई के मैकेनिज्म वर्क के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ खूब कॉन्सेप्ट हैं, अभी ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। देख लीजिए आरबीआई का गठन जो है वो 1926 में गठित हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था, यानी इसके हेडक्वार्टर कोलकाता था लेकिन अभी ये मुंबई शिफ्ट हो गया है इन ईयर 1937। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हिल्टन यंग कमीशन जो 1926 में बना था उसकी अनुशंसाओं के आधार पर आरबीआई का गठन आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। जी हाँ, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। आरबीआई एक्ट 1934 में बना था और आरबीआई का गठन आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुआ था। क्वेश्चन पूछते हैं इस पे कि एक्ट कब आया था और गठन कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। नेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है? यानी कि उसकी संपूर्ण शेयरधारिता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, यानी उसका पूर्ण मालिकाना हक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, यानी उसका पूरा स्वामित्व सरकार के पास है, इसलिए उसे नेशनलाइज्ड बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए थोड़ा और फैक्ट देख लेते हैं आरबीआई के बारे में। ऑसबोर्न स्मिथ साहब इसके पहले गवर्नर थे, यानी कि जब 1935 में बैंक बनता है उसके पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ साहब थे, ब्रिटिश थे ये। थोड़ा और फैक्ट देखते हैं क्योंकि आजकल यूपीएससी का पैटर्न जो है वो व्यक्ति विशेष पे प्रश्न पूछता है, जैसे वो कुछ लाइनें दे देता है कि दिस हैपन बाय हु इज़ दैट हु इज़ हैपन दिस, वह कौन है जिसके द्वारा ये कार्य किए गए हैं। कुछ चीज़ें बता देता है वो, जैसे पिछले साल शायद तिलक जी के बारे में क्वेश्चन पूछा था इस तरह का, तो सी डी देशमुख के बारे में हमें देख लेना चाहिए। सी डी देशमुख साहब पहले भारतीय थे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बनते हैं इन ईयर 1943। बाद में भारत की आज़ादी के बाद ये
भारत के फाइनेंशियल मिनिस्टर के तौर पे सर भारत को सेवा प्रदान करते हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई का एक गवर्नर होता है और चार से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं, यानी कि एक गवर्नर होता है, चार डिप्टी गवर्नर होते हैं। और इसका एक सेंट्रल बोर्ड होता है जिसके कार्यों को रेगुलेट करने में इसकी सहायता करता है। सेंट्रल बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं वो चार साल के लिए गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, और जो इनकी मीटिंग्स होती हैं, इन मेंबर्स जो सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग होती है वो होनी चाहिए 6 times in a year, यानी कि साल भर में 6 times होनी चाहिए, एंड 1 in 3 months, यानी मिनिमम 3 महीने में एक तो होनी ही चाहिए। तो चलिए यहाँ से एक रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है, अगर 3 महीने में एक बार होती है तो साल भर में मिनिमम 4 बैठकें, तो मिनिमम 4 sittings होनी ही चाहिए, क्योंकि पॉलिटी में इस तरह का क्वेश्चन कई बार यूपीएससी पूछ चुका है कि पार्लियामेंट के, हालांकि दिशांतर हो रहा है लेकिन कनेक्ट कर देने से सब्जेक्ट को थोड़ा चीज़ें भूलती कम है। तो हमने पढ़ा है कि पॉलिटी में पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि किन्हीं 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम कितना समय अंतराल हो सकता है, तो 6 महीने का समय अंतराल हो सकता है। तो फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम 1 साल में मिनिमम कितने सेशन होने चाहिए, तो अगर मैक्सिमम 6 महीने का समय अंतराल हो सकता है तो मिनिमम 2 सेशन तो होने ही चाहिए। उसी तरह यहाँ पे वैसे तो 6 बार मिलते हैं, यानी हर 2 महीने में एक बार मिलते हैं, लेकिन 3 महीने में एक बार मिलना ही पड़ेगा, इसलिए मिनिमम 4 सेशन तो होने ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो इस सेंट्रल बोर्ड में ऑफिसर डायरेक्टर्स होते हैं वो गवर्नर स्वयं होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं वो, उनकी संख्या 15 होती है, जिसमें 10 डायरेक्टर्स वेरियस फील्ड से होते हैं, विभिन्न अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं, और एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट का अधिकारी होता है, और 4 जो होते हैं इसके आरबीआई का जो लोकल बोर्ड है, आरबीआई के कामों में सहायता प्रदान करने के लिए 4 लोकल बोर्ड भी हैं इसके, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं, उनके डायरेक्टर्स भी होते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है इस पर, रोल ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का हमारी इकोनॉमी को स्टेबलिश करने में महत्वपूर्ण स्थान है, हम इसके फंक्शन को एक एक करके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी मोटा मोटा देख लेते हैं। सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की मॉनिटरिंग करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, हमारे विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, रेगुलेशन करता है। बैंकर्स बैंक, इसे बैंकर्स बैंक भी कहते हैं क्योंकि SBI, ICICI, HDFC इन सब बैंकों का को लोन उपलब्ध कराता है, उनको नैतिक समर्थन उपलब्ध कराता है, मॉरल सुपरविजन उपलब्ध कराता है, इस तरह के तमाम कार्य करता है RBI, उन पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी लेता है, इसलिए इसे बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। इशूअर ऑफ करेंसी, भारत में मुद्रा का अंतिम जारी करता है, एकमात्र और अंतिम जारी करता है RBI। मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। गवर्नमेंट में यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है, यानी स्टेट और सेंट्रल दोनों को ऋण उपलब्ध कराता है और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। अगले लेक्चर में हम मॉनेटरी पॉलिसी, मनी मल्टीप्लायर, मनी सप्लाई, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।